अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑर्डर्स के ऑप्शन की, जो कि हमें शॉपिफाई डैशबोर्ड के अंदर मिल जाता है। इस ऑप्शन के अंदर आप तमाम ऑर्डर्स जो भी आपके कस्टमर्स ने प्लेस किए हैं वो सारे यहां से देख सकते हैं। जो ऑर्डर आपने कैंसिल किए हैं या होल्ड के ऊपर हैं या जो भी इश्यूज हैं रिगार्डिंग ऑर्डर्स, वो सारे ऑप्शंस आप यहां पे देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा है। सिंपल अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ऑर्डर्स यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स नज़र आएंगे। राइट नाउ यहाँ पे ये दिखा रहा है सेलेक्ट अ प्लान, क्योंकि हम ट्रायल एज अ लर्न कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है हमें नज़र आ रहा है। अगर हमने कोई प्लान बाय किया हो, लेट्स सपोज अगर मैं आपको इसको दिखाऊँ, अगर यहाँ से कोई भी प्लान हम बाय कर चुके हों तो ये ऑप्शन हमें नज़र नहीं आएगा, राइट। लेकिन राइट नाउ हम लर्निंग मोड में हैं तो हम इसको अभी भी चूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे तमाम ऑर्डर्स आपको नजर आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर एक ड्राफ्ट का ऑप्शन है। मैं वो ऑर्डर्स जो किसी ने प्लेस नहीं किए लेकिन आपने खुद ने क्रिएट करे हैं, मैन्युअली क्रिएट ऑर्डर्स एंड इनवॉइसेस, वो आप इस ऑप्शन के जरिए क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वो ऑप्शन हैं जो अबेंडेंड है, या यहाँ पे जैसे देखें आप लिखा हुआ है सी व्हेन कस्टमर पुट एन आइटम इन देयर कार्ट बट डोंट चेक आउट, यू आल्सो ईमेल कस्टमर लिंक देयर कार्ट एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये मार्केटिंग पर्पजेस के लिए डाटा हमें यूज करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे वो आपको ऑर्डर्स नजर आएंगे जो मतलब जो यूजर ने उनको उन प्रोडक्ट्स को कार्ट के अंदर ऐड किया है लेकिन परचेज नहीं किया, पेमेंट नहीं की उसकी, तो वो ऑप्शन वो ऑर्डर्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि ऑर्डर्स का जो ऑप्शन है उसका बेसिकली क्या मतलब है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट प्रोडक्ट वाले ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।